ब्लॉकेजेस आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो ऊपर वाले को ऐसे धन्यवाद दिया जाता है, एक हाथ से नहीं बाय बाय किया जाता है, दोनों हाथ से धन्यवाद किया जाता है। तो बेवरेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपका लिक्विड प्रोफाइल बराबर है, आपका लिक्विड प्रोफाइल ये बराबर रहेगा, उसमें गड़बड़ी नहीं होगी। आपका न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? आज जो भी खा रहे हो ना, उसमें से 30-35% शरीर को मिल रहा है, बाकी का सब आप फ्लश कर निकल जाओ। आपको सुपर फूड देने की बहुत जरूरत है। पहले लोग कैसे जीते थे? आयुर्वेदा को जीवन में लाके जीते थे। हमको वापस आयुर्वेदा में जाना ही पड़ेगा। आपके पास दो चॉइस है, खुद के लिए आयुर्वेदा लाके आपके शरीर को दीजिए, या तो बाहर जाके एंटीबायोटिक के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। दो चॉइसेस है, एक तो अपने खुद के न्यूट्रिशन के लिए खर्चा करो, या बाहर जाके आपको एंटीबायोटिक मेडिकल के लिए खर्चा करना ही पड़ेगा। आपके फूड के साथ आपको सुपर फूड की जरूरत पड़ने वाली है। आप सुपर फूड को अवॉइड नहीं कर सकते, अगर शायद आपने अवॉइड किया तो बाद में आपको आपको भरना ही पड़ेगा। न्यूट्रिशन बहुत मैटर करता है, और वहां पे अपना स्पिरुलिना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण काम। स्पिरुलिना कितने लोग स्पिरुलिना खाते हैं? सब लोग स्पिरुलिना खाते हैं? कितना कितना खाते हो? दो, सुबह का एक, शाम का एक, ऐसे कितने लोग हैं? सुबह का एक खाएंगे, शाम का एक खाएंगे, ऐसे कोई है? सुबह का दो, शाम का दो, चार स्पिरुलिना खाने वाले कितने लोग हैं? सुबह का दो, शाम का दो, बराबर है। सुबह का दो, दोपहर का दो, और रात का दो, 2+2+2, ये कितने लोग हैं? है क्योंकि दो एटलीस्ट 6 से 7 शरीर में जानी चाहिए, उसके बाद आपके दिमाग को और आपके पर्स को जितना परवड़ता है उतनी सुविधा आपके शरीर को आप दे सकते हो। इट इज नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं है। मैं कुछ 12 का 15 यस, तालियां होनी चाहिए। स्पिरुलिना में पूरा न्यूट्रिशन है, जो अक्षय कुमार या सेलिब्रिटी, आप देखो यूट्यूब सबके पास है, आपको सबको यूट्यूब पता है। यूट्यूब में जाके ना एक एक सेलिब्रिटी क्या क्या सुबह से शाम तक खाते हैं ना, एक दिन देखिएगा। पिक्चर मत देखिएगा, वो पिक्चर में है ना मजे के लिए मनोरंजन है, लेकिन वो असल में जो जीवन जीते है ना वो देखिएगा, क्योंकि वो सेलिब्रिटी उस हिसाब से होते हैं जब उनका स्टैमिना बढ़ता है तभी वो चमकते हैं। उनका वो चमक कहाँ से आता है वो देखो। ये न्यूट्रिशन देखने के लिए ना यूट्यूब पे जाके देखो कि अक्षय कुमार क्या खा रहा है ब्रेकफास्ट में, या तो शिल्पा शेट्टी ब्रेकफास्ट में क्या खा रही है, उसका पहला न्यूट्रिशन धोनी से शुरू होता है। शिल्पा शेट्टी पता है सबको? कोई है शिल्पा शेट्टी को नहीं जानता है? एकदम ब्यूटी और फिगर के लिए बहुत कॉन्शियस ले रही है, और खुद का भी उनका नेटवर्क चलता है, उनका भी बिजनेस चलता है इसी चीज के लिए कि पर्सनल हाइजीन के लिए, उसके लिए मैं आऊंगी वापस। लेकिन न्यूट्रिशन में उसका सुबह का जो शुरुआत है वो धोनी से होता है, बेवरेज के हिसाब से। उनका न्यूट्रिशन क्या है, कहाँ कहाँ से वो फल फूल लाके खाती है, मौसमी चीजें लाके खाती है, वो देख सकते हैं। क्योंकि अगर ये सेलिब्रिटीज बने तो किस हिसाब से सेलिब्रिटीज बने, तो उनका न्यूट्रिशन पे आप ध्यान देना बहुत जरूरी है। और हर एक वक्त अगर आप स्पिरुलिना बराबर से पिए हो, आरजीजेल जो आयुर्वेदा का राजा हमारे पास है, आरजीजेल कैप्सूल सबको पता है, एक सपोर्टिंग सप्लीमेंट हमारे लिए, प्रिवेंशन हमारे लिए, अगर वो न्यूट्रिशन आप रोज शरीर को दे रहे हो, ये बराबर से आरजीजेल और स्पिरुलिना दे रहे हो, इसका मतलब आप आपके प्रति क्या हो, समर्पित हो, आपके परिवार के प्रति आप समर्पित हो। अगर हमने खुद को मजबूत रखा ना तो विमान में चढ़ते, एयरक्राफ्ट में चढ़ते तो क्या करते, बाजू वाले को ऑक्सीजन लगाते नहीं, वो वहां के एयर होस्टेस क्या कहती है, पहले खुद को ऑक्सीजन लगाना फिर आगे बढ़ते। क्योंकि जब तक खुद को आप अपग्रेड नहीं करते, खुद को मजबूत नहीं करते, आप किसी और को मजबूत नहीं कर पाओगे। हेल्थ और वेल्थ मजे से चलती है। आपको स्पिरुलिना और आरजीजेल जब न्यूट्रिशन बराबर से आप दे रहे हो तो वो जो मजबूती मिलेगी, जो सेलिब्रिटी लाइफ मिलेगा, वो सेलिब्रिटी लाइफ एक अलग सेलिब्रिटी लाइफ मिलेगा। आपको लगता है आप न्यूट्रिशन के बिना जी सकते हो? ऐसे लग रहा है न्यूट्रिशन के बिना जिया जा सकता है? आज मैं सच्ची बोलूं, माँ और बाप अपने बच्चों के लिए कितना समर्पित रहते हैं, उतना समर्पण आज डॉक्टर लिंग ने दिया है। सी वक्त हम सबने सुना है,
5G आने के पहले हमारे हाथ में क्या आ गया है, सी बक्तौन आ गया। कितने लोग सी बक्तौन खाया है? सी बक्तौन खाया है, एनर्जी लेवल सुपर्ब है, ये हिमालयन संजीवनी है। अगेन ये न्यूट्रिशन है, नसीब देखो हमारा, एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत हमको कब भी चाहिए रहेगी, दिसंबर जनवरी में, और आपके माँ बाप ने, डॉक्टर लीन ने आपको सी बक्तौन अभी से हाथ में दे के रखा है। सी बक्तौन ये गोलियां कितनी खानी है, सुबह की एक, शाम के, लेकिन ये 6 बजे से पहले खानी। आपको शाम की जो है एक भी खा सकते हैं, डबल भी खा सकते हैं, 6 से पहले खानी है। इसलिए इसका एनर्जी लेवल इतना है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसमें विटामिन है, इसमें भरा पूरा आपका जो स्किन के लिए प्रोटेक्शन चाहिए वो है। और इससे भी ज्यादा ये सी बक्तौन क्यों प्रमोट हो रहा है, ये एक बेरी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन ये मौसमी नहीं है। डॉक्टर लिंग कितना सजग है, देखो ये फल 12 ही महीने आता है, और जो 12 ही महीने आ रहा है, हिमालय संजीवनी कहा गया है, तो वो कहीं पे भी आपको शरीर में न्यूट्रिशन के हिसाब से सपोर्ट करता है। आप सी बक्तौन चाइना में जाओ, जापान में जाओ, कोरिया में जाओ, यूएस में जाओ, सभी लोग आज इस बेरी के पीछे पड़े, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसमें लीवर प्रोटेक्शन मिलेगा। ओमेगा, कितने ओमेगा है इसमें कोई बोल सकता है, कितने ओमेगा मिलेंगे इसमें? सॉरी सॉलिड चिंटू मिंटू, इसमें कितने ओमेगा मिलेंगे? 367। कोई और है जो बोल सकेगा ओमेगा, या समझते आप ओमेगा कहाँ से मिलता है? ज्यादा से ज्यादा ओमेगा ये नॉर्थ वेस्ट से मिलता है, लेकिन वो भी प्योर मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, और कितना क्वांटिटी में समझ नहीं आता है। और ओमेगा 3, 6, 7 और 9 ये चारों एक साथ में सी बक्तौन, मतलब आपके हार्ट को अटैक लेने से वो बचाएगा, आपको स्ट्रोक आने से बचाएगा, आपका डायबिटीज अगर चल रहा है तो अंदर से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व करने को काम करेगा, आपके लीवर किडनी को वो काम करने में सपोर्ट करेगा। और कुछ बचा है इसमें? हाँ बचा है, मेरा निर्णय इसको उठा के मेरे मुंह में डाल दो और पानी पे दबा दो, यही निर्णय रहेगा। अगर एक चीज आपको इतनी भरी पूरी संजीवनी के हिसाब से दी है, तो हमारा एक निर्णय रहेगा कि इसको मुंह में डालना है, लेकिन 6 से पहले डालना है। 6 से पहले इसलिए क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल इतनी रहती है, अगर एक बार कभी 6 के बाद लेते देखो कि आप जितना भी काम परसों 10 दिन का बाद कर रखा होगा, वो भी उसी शाम और उसी रात निपटा दो, एनर्जी लेवल। और एनर्जी हमेशा जैसे सूर्य उगता है वैसे एनर्जी लेवल भी बढ़ती जाती है, और वो एनर्जी लेवल सी बक्तौन में और बढ़ती जाती है। तो आज से हम एटलीस्ट 2 महीना सी बक्तौन शरीर को देंगे और उनकी एनर्जी लेवल अच्छे से बढ़ाएंगे। ये स्पेसिफिक है, इसे 12 के नीचे के बच्चों को नहीं देना है, ये न्यूट्रिशन आपको 12 के ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हैं, ठीक है। इसमें और एक न्यूट्रिशन दिया है जिनसेंग, कितने लोगों ने जिनसेंग खाया लिया? जिनसेंग बहुत बदनाम है जिनसेंग, लेकिन हाँ सच जिनसेंग बोले तो ऐसे आप काम खड़े हो जाते हैं, इट इज नॉट दैट, ठीक है वो वाइटलिटी के लिए गुड है, फर्टिलिटी के लिए गुड है, लेकिन जिनसेंग इज पावरफुल एज अ एनर्जी अपग्रेड। जिसको एनर्जी नहीं है, थकावट है, कमजोर हो गया है, उसको जिनसेंग की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है। अगेन ये स्पेसिफिक है, 12 के नीचे के बच्चों को नहीं देना है, ऊपर के बच्चों को देना है। सी बक्तौन और जिनसेंग, आपके अगर बच्चे कुछ अच्छा सा पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यूपीएससी एमपीएससी कर रहे हैं, बड़ा एजुकेशन ले रहे, या तो आप चाहते हो कि वो बड़ा एजुकेशन ले, तो उस वक्त आप सी बक्तौन और जिनसेंग दे सकते हो, क्योंकि उनका ब्रेन का पावर वो अपग्रेड करते हैं। आसान रहेगा, जितना भी पैसा आप लगाए ट्यूशन क्लासेस, उनके पेन का भी क्वालिटी आप अच्छा देते हो ना, एमपीएससी यूपीएससी में डॉक्टर के लिए बच्चा पढ़ेगा, आर्किटेक्ट के लिए पढ़ता है, तो उनका पेन पेंसिल पट्टी बड़े अभी कॉस्टली थे, तो वो पट्टी
पार्टी का कवर भी आता है वो भी कॉस्टली आता है। तो जो भी इतना कॉस्टली लगा है तो उसके शरीर के अंदर के लिए ये देना बहुत जरूरी है ताकि वो कैरी करे तो अच्छा सा उसको पूरा न्यूट्रिशन आपको आपकी मजबूती देगा। अभी आऊंगी मैं पर्सनल हाइजीन। आपको बिलीव भी नहीं होगा कि न्यूट्रिशन में बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज है ना उनके स्पेशल होटल्स है, रेस्टोरेंट्स चलते हैं जहां पे स्पेशल न्यूट्रिशन दिया जाता है। पता है आपको, पता है बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे बिजनेसमैन है इनके रेस्टोरेंट से, पता है आपको कि नहीं होता कि हम सिर्फ उनको हीरो के हिसाब से नहीं। प्रियंका चोपड़ा नाम सुना है, कितने लोगों ने प्रियंका चोपड़ा सुना है? सुना है। इनका रेस्टोरेंट चलता है मालूम है, लंदन में चलता है और न्यूयॉर्क में चलता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां खाना खाने जाते हैं। और क्या खाना चाहते हैं? एक भारतीय संस्कृति का मसालेदार न्यूट्रिशियस इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाला एक व्यंजन खाने जाते हैं। याद रखो उनको पता है कि वो शानो शौकत वो पिक्चर कोड़ा लाइफस्टाइल है, लेकिन लॉन्ग चलेगा वो न्यूट्रिशन और बेवरेज। बहुत सारे लोगों के जो बड़े बड़े आज होटल्स है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है, वो बिजनेसमैन के बहुत सारे एक्ट्रेस के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है। आज के बाद सब बच्चे यूट्यूब पे ये ढूंढेंगे कितने लोगों का कितना रेस्टोरेंट है, कितना बेवरेजेस चलता है। टाटा में, टाटा साहब में भी कौन सा बेवरेज चलता है उनका, एक रेस्टोरेंट चलता है ना स्टारबक्स। स्टार कौन बोला? स्टारबक्स कौन बोला? पवार साहब। इनको बंद करके पट्टी लगा के रखना चाहिए। ये स्टारबक्स क्यों बोले मालूम है? वो सेंचुरी बाजार में ना जैसे उतरते तो स्टारबक्स राइट हुई है ना, तो उनको याद रहता है। टाटा साहब ने भी बेवरेजेस को नहीं छोड़ा है, न्यूट्रिशन को नहीं छोड़ा है। न्यूट्रिशन में और एक नाम आता है जो मैं आगे जाके उसके लिए बात करूंगी। ये न्यूट्रिशन किसी ने नहीं छोड़ा है, अपने अपने से उसको बढ़ाते गए, लेकिन ने ये न्यूट्रिशन आपको बहुत इकोनॉमिकल दिया है, एक्सपेंसिव दिया है। क्या जो स्टारबक्स ने कॉफी मिलती है ना उसका प्राइस देखिए, 450, 550, 650। अगर ये पूरा पैक मेरा 20 दिन का 800 रुपए में आता है तो इतना इकोनॉमिकल महंगा लगता है? नहीं। इतना बढ़िया क्वालिटी चीज जो रिसर्च प्रोडक्ट है आपको इतने आसानी से मिल रहा है, लेकिन ये इसको हमारे लिए निर्णय लेना बहुत जरूरी है। शायद मैं बोल रही हूँ तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि सेलिब्रिटी हीरो हीरोइन तो आप पिक्चर में देखते, लेकिन वो सच्चे जीवन में पिक्चर नहीं, वो खुद का प्लेटफॉर्म बना रहे। तो आपको भी आपका प्लेटफॉर्म बना के रखना है, और आज के लिए नहीं, ये जो कर रहे हैं ना ये कल के लिए करके रखना। आज आपके हाथ पैर चल रहे हैं तो बच्चे सम्मान दे रहे, कल शायद नहीं चलेंगे ना, तो वही सम्मान बच्चों को भी मिलना चाहिए और आपको भी मिलना चाहिए ना। इसके लिए रिएक्शन प्लेटफॉर्म में तालियां होनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, एलोवेरा का क्लेंजिंग जेल है, हमारा सोप है, हमारे टीवी क्रीम है स्किन के लिए। लेकिन इस सेलिब्रिटीज का ये तो रिएक्शन ने हमको प्लेटफॉर्म दिया क्योंकि ये जरूरत है, पर्सनल हाइजीन जरूरत है। टीवी खोलेंगे तो कैसे आता है? पहला टूथपेस्ट आता है ना, एडवर्टाइजिंग क्या आता है? टूथपेस्ट का आता है, शैम्पू का आता है, साबुन का आता है। साबुन तो इतने वो श्रीदेवी गई, हेमा मालिनी गई, अभी और कोई और कोई और कोई 18-20 चलता ही रहता है, एक के बाद एक, एक एक के बाद एक आता है। गोल्ड पॉइंट मिलता है, सिल्वर पॉइंट मिला कोई नहीं मिला, साबुन भी नहीं मिला, मिलता है ना वो टीवी पर तो दिखाते एडवर्टाइजिंग में होता है, क्योंकि वो उस हिसाब से वो बराबर है, वो गलत नहीं है, वो बराबर है। लेकिन हमको निर्णय लेना है कि हम वो लेना है कि नहीं लेना है। 10 रुपए का साबुन तो सच्ची वो हीरोइन यूज करती है, वो हमको सोचना है। और पर्सनल हाइजीन में कितने सेलिब्रिटीज है वो पर्सनल हाइजीन में आपको पता है? कितने सेलिब्रिटीज है जो पर्सनल हाइजीन में उपयोग है? गोदरेज का टॉयलेटरी सोप है ना, शेव कलर है, हेयर कलर है, विप्रो का आता है, टाटा का आता है, सोप आता है। कितने सेलिब्रिटी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल बड़ा कंपनी है, इनका भी आता है,
चीज नहीं है पर्सनल हाइजीन। आप पर्सनल हाइजीन समझ रहे हो, पर्सनल हाइजीन मतलब आपकी अंदर की और बाहर की सफाई है, उसके भी ज्यादा ऊपर से सफाई और साफ सफाई, उसमें आपका सोप शैम्पू टूथपेस्ट ये सब चीजें आती है, आपका क्लेंजिंग, आपका फेस वॉश, हिमालय कितने प्रोडक्ट्स आते हैं। आप मेडिकल शॉप में जाओगे तो आधा बक्सा तो पर्सनल हाइजीन से भरा पड़ा है, उसमें स्प्रे भी आता है बराबर, रोलर शरीर को लगाने वाला। ये जो पर्सनल हाइजीन का मार्केट है ना, आज आपको मैं होमवर्क देती हूँ, सच्ची होमवर्क देती हूँ, जाके यूट्यूब पे देखिएगा कितने सेलिब्रिटीज का पर्सनल हाइजीन का मार्केट है। मामा अर्थ करके एक प्रोडक्ट चलता है, देखा है? अभी तो आपको वो मेडिकल शॉप में भी मिलेगा। इसकी कंपनी के ओनर कौन है पता है? मामा अर्थ ओनर पता है आपको? शिल्पा शेट्टी का एक ब्रांड है, पहले ऑनलाइन चलता था, अभी ऑफलाइन में भी आ गया है और बहुत जगह पे चलता है ये पर्सनल हाइजीन। और भी बहुत सेलिब्रिटीज है, आप खुद देख लो कि सेलिब्रिटीज ने ना शैम्पू छोड़ा है ना कोई छोड़ा है, मिंत्रा चलता है और भी कितने कितने। एक तो रिचेस्ट वुमन ऑफ द इंडिया है कि जिसका पर्सनल हाइजीन का ऑनलाइन का मार्केट है, पूरा ऑनलाइन का मार्केट। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसके प्राइसेस जो है ना, वो प्राइसेस आपको अगर परवड़ते तो अलग चीज है, लेकिन जो पर्सनल हाइजीन के हमारे प्राइसेस है, डीएसएन के जो प्राइसेस है, वो अनबिलीवेबल है। आपको आसानी से परवड़ने वाले ये हाइजीन, आप आराम से इसको अपना सकते हो, यूज कर सकते हो, दूसरों को भी रेकमेंड कर सकते हो, क्योंकि रिसर्च प्रोडक्ट है, अच्छे से काम किए हुए, 80 साल में कितने हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने इसका मुनाफा पाया, तो हमको ये दूसरों को बोलने के लिए भी आसान रहेगा, क्योंकि एक टेस्टिमनी, एक अनुभव हमारे साथ है कि कुछ नया अलग हम लोगों को नहीं दे रहे। स्पेशली सोप के बारे में कहूंगी, सब लोग ब्यूटी के लिए तो बहुत कॉशियस रहते हैं ब्यूटी, लेकिन साबुन सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं है, साबुन ये प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए, एंटीसेप्टिक के हिसाब से ये साबुन काम करता है। डॉक्टर भी हाथ धोता है ना ऑपरेशन के बाद, तो उसको भी एंटीसेप्टिक चाहिए रहता है। अगर ब्यूटिशियन ने हेयर ट्रीटमेंट दी ना, हेयर कलर, उसका प्रोटीन ट्रीटमेंट, कोई है ब्यूटिशियन यहाँ पे? ब्यूटी पार्लर हेयर कलर वो कुछ करने को जाते हैं ना, तो वो ग्लव्स लगा के वो क्या करती है, ट्रीटमेंट देती है, और तुरंत वो ग्लव्स निकालने के बाद वो प्रोटेक्शन के लिए मॉइस्चर लगाती है, कुछ कुछ करती थी, तो उसको पता है अनोइंगली उसके पोर्स से वो अंदर जाने वाला है। उस वक्त ये ब्यूटी नहीं, ये सेफ्टी सोप के हिसाब से काम करेगा, और जब आप रेडिएशन में बाहर निकलते हो तभी ये सेफ्टी के हिसाब से काम करेगा, ताकि होनी चाहिए। गैनोदर्पा केवल ब्यूटी के लिए नहीं, वो सेफ्टी के लिए भी काम करता है, बहुत इकोनॉमिकल है। क्लेंजिंग जेल एलोवेरा है, क्लेंजिंग के हिसाब से, सिर्फ क्लेंजिंग नहीं, कूलिंग भी, क्योंकि आपकी त्वचा के लिए सिर्फ सफाई नहीं तो आपका उसका मॉइस्चर पीएच लेवल भी मेंटेन करना है। तो बहुत सारे अपने पर्सनल हाइजीन वाले जो प्रोडक्ट है जो हम अच्छे से रिसेंटली यूज कर सकते हैं, आपको लगता है ये आसानी से कर सकते हैं? कितने लोग है सोप यूज करेंगे ना, उसे सोप यूज कर दो, ताली आनी चाहिए। हम 12 साल के जवान इसके लिए नहीं, जो जन्मा हुआ बच्चा है उसके लिए भी सोप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका टीएफएम लेवल, टोटल फैटी मटेरियल, मतलब जिससे सफाई होती है, सेफ्टी होती है, वो मटेरियल 76% है, यानी बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे पास मिला है, लेकिन नॉलेज न होने की वजह से, ट्रेनिंग न होने की वजह से शायद हम प्रमोट नहीं किया, यूज नहीं किया। जो आज केमिकल यूज हो रहा है, जो बाहर केमिकल हो रहा है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हम अपना ये प्रोटेक्शन आराम से यूज कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन में पता चला आपको कितना इम्पोर्टेंट है, और पर्सनल हाइजीन अगर नहीं प्रोटेक्शन दिया तो कोरोना में हाथ धुलवाया था ना, कोरोना ने कितने लोगों ने हाथ धोया था, कितने लोगों ने हाथ धोया था, कितने लोगों ने धोया था, सब हाथ धो गए, कोरोना में हाथ धो के आए ना, अभी धोना है हाथ नहीं धोना, हम इससे प्रोटेक्शन ले सकते। तो
कोरोना ने हमको पर्सनल हाइजीन के बारे में बहुत सारी चीजें सिखाई। ये तो मुझे बोलते थे तो कुकर मतलब एक चिट्ठी काटून ठेवायचीच बाकी ठेवले। बाहर से आते थे तो पहले उनको मैं बाथरूम में ढकेल देती थी, नहा लो पहले निपटा लो तभी अपने पिताजी के पास जाना, क्योंकि उनकी उस वक्त उम्र 80 थी। जब वो कोरोना में थे तब उम्र 80 थी और मैं चांस नहीं लेना चाहती थी। 80 साल की उम्र बहुत मजबूती से जिए थे कि ये अगर बाहर से आए और अगर उनको कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी हम पे थी, क्योंकि हमारे पिताजी ने इतना सपोर्ट करके वो जीवन जिया था। तो एक कोरोना का एक निमित्त से हम नहीं चाहते थे कि उनका जीवन वहां समाप्त हो, इसलिए जितना प्रोटेक्शन ले सकते थे हमने उस वक्त उतना प्रोटेक्शन ले लिया था। और कोरोना ने ये भी बता दिया आपके अकाउंट में कितना भी पैसा हो लेकिन शरीर में अगर इम्यून सिस्टम नहीं है तो वो पैसा आपके लिए काम करने वाला नहीं है। ये भी कोरोना ने बता दिया कि अगर घर में लिमिटेड पैसा है और 4 लोग जब अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो 4 लोगों में से किसको बचाना है वो बैठ के सोचना पड़ता था। और वो बहुत बुरी घड़ी थी कि अगर माँ बाप बच्चा कोई अंदर उधर हॉस्पिटल में तो पहले किसको निकाला और किसके लिए पैसे लगाने थे, आप समझते हो। वो इमोशनल घड़ी भी बहुत सारे लोगों के जीवन में आई थी कि पहले बच्चे को बाहर निकालू, बीवी को बाहर निकालू कि पिताजी माँ को बाहर निकालू, उस आदमी के लिए वो चुनौती की घड़ी थी। अगर आपने बराबर से आपका बेवरेज न्यूट्रिशन पर्सनल हाइजीन उस वक्त रखा है तो वो इमरजेंसी की घड़ी आएगी भी तो भी घर से आप अच्छे से निपट के बाहर आ जाओगे। लगता है आपको अच्छे से निपट के आ जाओगे, इसकी तैयारी 5G की है। आने वाला बैक्टीरिया वायरस कैसे होगा, जीवन कैसे होगा, मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम जाने वाले हैं, हम एक 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जाने वाले हैं। कितने लोगों को पता है कि रिसेशन चल रहा है, ऐसे लगता है कितने लोगों ने सुना है कि रिसेशन चल रहा है, कितने लोगों ने सुना है कि रिसेशन चल रहा है, रिसेशन यानी मंदी, आर्थिक मंदी चल रही है ऐसे बहुत लोगों ने सुना है, आर्थिक मंदी चल रही है ऐसे सुना है। पहले इंजन कैसे चलता था, बाफे से इंजन होता, बाफ का यानी स्टीम का इंजन चलता, अभी क्या चल रहा है, मैग्नेट गाड़ी दौड़ रही है ना, कौन से स्पीड से पता नहीं। वी आर गोइंग टू 2023 तक निपटते वी आर गोइंग थ्रू द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। एक इंडस्ट्रियल को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति जो कहते हैं, औद्योगिक